जो आप फेस्टिवल पे कर सकते हो, नवरात्रि में डेफिनेटली कर सकते हो, या फिर कोई भी अच्छे से ओकेजन पे आप इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ रोज टोनर, जो कि हमारे ओपन पोर्स को काफ़ी हद तक क्लोज कर देगा। और उसके बाद मैं मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। और अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, जो कि मैंने अपने शेड के अकॉर्डिंग किया है, जिससे मैंने अपनी आईब्रो भी इन्हेंस किया है और मैंने अपनी आईलिड पे भी उस कंसीलर को लगा के फिर मैंने उसे डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जिस हमने कंसीलर इसलिए अप्लाई किया है ताकि हमारा जो भी आई मेकअप है वो ज़्यादा समय तक टिके रहे और अच्छे से दिखे भी। और आईब्रोज को इन्हेंस करने से आई मेकअप लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बार मैं एक ऑरेंज शीट ले रही हूँ और उसे आउटर वी कॉर्नर पे लेके थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ, लाइट से लेके डार्क तक जा रही हूँ। आप देख सकते हो अभी थोड़ा कम ऑरेंज दिख रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं दिख रहा। धीरे धीरे मैं उसे ब्लेंड करती जाऊँगी और उसे ज़्यादा डार्क बनाती जाऊँगी। और उसमें मैंने एक गोल्डन शेड पे मिक्स किया है। सो गाइज, ये उतने ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं हो रहा था, सो मैंने डायरेक्टली फिंगर से अप्लाई करने का ट्राई किया। सो फिंगर से अप्लाई करने के बाद वो अच्छे से मेरे आईज़ पे दिख भी रहा था। और उसको ज़्यादा पॉपअप करने के लिए मैंने उसमें गोल्डन कलर भी मिक्स किया। जब मेरे आउटर वी कॉर्नर पर देख सकते हो, ये आई मेकअप सिंपल है, सो आप इजीली इसे कर सकते हो। सिर्फ दो आई शेडो से आपका पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। और अब मैं एक पर्पल पिंक सा कलर ले रही हूँ, जो मैं अपने इनर वी कॉर्नर पर लगा रही हूँ। और फिर मैंने उसे एक ब्रश की हेल्प से दोनों कलर को मर्ज कर दिया ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। सो ये हमारा सिंपल आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है आईलाइनर की। आईलाइनर के लिए मैंने NYB का आईलाइनर यूज़ किया है। मैंने मोटा सा आईलाइनर ड्रॉ किया है ताकि हमारी आईज़ पे ज़्यादा फोकस हो। और फिर मैंने उसे अच्छा सा विंग भी निकाला है, मोटा सा, आप देख सकते हो। आईलाइनर आप टाइम लेके कीजिए, आपको नहीं आता होगा तो आप रेगुलरली कीजिए, आईलाइनर को ट्राई कीजिए तो आपको आ जाएगा। यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। आपने देखा कितना अच्छा विंग लाइनर आया है। मैंने दूसरी साइड भी आईलाइनर कंप्लीट कर लिया। अब मैं मेरी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। उसके लिए मैंने कॉफ़ी कलर लिया है, ब्राउन कलर। मैं ब्लैक कलर से अपनी आईब्रोज कभी भी फिल नहीं करती क्योंकि वो नेचुरल लुक नहीं देती, वो बिल्कुल मेरी आईब्रो से मैच नहीं होता कलर ब्लैक सा। सो मैं ब्राउन कलर ही अप्लाई करती हूँ। और अब मैंने जो भी आई शेडो अप्लाई किए थे वो मैं बारी बारी करके अपने लोअर लैश पे अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस, हमारा आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है बेस मेकअप की। उसके लिए मैंने यूज़ की है लैक्मे की CC क्रीम, जो आप देख सकते हो मैंने अप्लाई कर ली है। और सॉरी, उसकी क्लिप मेरे से गलती से डिलीट हो गई, उसके लिए मैं वो अटैच नहीं कर पा रही। पर आपने देखा होगा कि उसे आपको नॉर्मली लेना है, अपने फेस पर अप्लाई करना है और उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर देना है। और अब मैं जो अप्लाई कर रही हूँ वो है कंसीलर, जो मेरे फेस के शेड से मैच होता हुआ कंसीलर है। और उसे मैंने हाइलाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। और आप उसे अपने डार्क सर्कल्स और जो भी पिगमेंटेड एरियाज़ है उसको छुपाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और फिर एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने पूरे अपने फेस को सेट कर लिया है। और अब मैंने लिया है लूज पाउडर, जो कि है VOV का, जिससे मैंने अपने पूरा बेस सेट किया है ताकि कोई मतलब आप गर्मी में भी जाए तो भी आपका मेकअप 8 से 10 घंटे तक अच्छे से टिक सके। और अब मैंने यूज़ किया है ब्लश। आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश यूज़ किया है क्योंकि फेस्टिव मेकअप लुक में उतना तो चलता ही है। देन आई होप आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आ रहा हो, जो काफ़ी सिंपल भी है एंड यूनिक भी है। और आपको ब्लश को भी अच्छे से ब्लेंड करना है, ऐसा ना लगे कि आपके फेस पे पूरा रेड रेड ही दिखे। और अब मैं कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जिंग के लिए मैंने सेम्फोरा का ब्रॉन्जर यूज़ किया है।
अगर आप मेरे पूरे सेम्फोरा के जो भी मेकअप किट है उनका रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैंने यूज़ किया है सेटिंग स्प्रे और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फ्रेंड ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर। हाइलाइटर भी सेम सेम्फोरा का मैंने यूज़ किया है। अपने हाई चिक बोन्स पे, अपने पूरे फेस के हाई पॉइंटेड एरियाज़ पे आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है ताकि अच्छा सा ग्लो आपके फेस पे दिख सके। देन हमारा मेकअप लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अब बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए मैंने नायका की लिपस्टिक यूज़ की है। ये लिपस्टिक बुलेट लिपस्टिक है, ये मिनी लिपस्टिक है, पर गाइस ये लिपस्टिक का फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यू कैन चेक इट आउट ऑन नायका। एंड मेरा मेकअप लुक ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। होप आप सबको मेरा ये वाला मेकअप लुक पसंद आया होगा। फेस्टिवल में या फिर करवा चौथ पे ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे फीडबैक दे। इंस्टाग्राम आईडी है सिस्टा यूनिकॉर्न। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। देन बाय, टेक केयर।